हेलो दोस्तों, कैसे हो। नीरा स्वीट रेसिपी किचन में बन रहा है आज केले का कोफ्ता। आप लोग देखिए, बहुत टेस्टी बनेगा। चलो शुरू करते हैं वीडियो। ये मेरे दो केले हैं, अच्छे से मैंने छील लिया है, अब बॉईल कर लेंगे। बॉईल हो गए हैं, देखिए आप लोग। एक पोटैटो मैशर लेंगे, उससे मैश कर लेंगे। आप लोग हैंड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये मेरा मैश हो गया है। इसी में ऐड करेंगे चावल का आटा, और कुछ हम नहीं ऐड करेंगे, ये चावल से ही बनाएंगे। बहुत अच्छी रेसिपी। और देखिए आप लोग, एक ज़रूरी बात, जब तक मैं बना रही हूँ आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पसंद आए तो शेयर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। यार कोई पैसे नहीं पड़ने वाले हैं, फ्री में कर लीजिए। अब इसे अच्छे से फिर से मैश करेंगे बढ़िया अपने हैंड से, ऐसे हाथों के मदद से बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। इसी में ऐड करेंगे मीडियम साइज का एक प्याज ओनियन। अब इसे अच्छे से फिर मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से ऐसे। आप लोग जितनी देर मैश करोगे उतना ही कोफ्ता आप लोगों का बहुत अच्छा बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, साल्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। बढ़िया अच्छे से परफेक्ट मिक्स हो जाए अपने हाथों से। बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट करेंगे इसका डो है जो, बहुत अच्छे से। ऐड करेंगे थोड़ा सा बढ़िया तेल, जिससे मेरे पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत टेस्टी। फिर मिक्स करेंगे अच्छे से ऐसे। अब थोड़ा सा ऐड करेंगे नींबू, लेमन, इससे बहुत खट्टा टेस्ट आएगा बढ़िया अच्छा पकौड़े में। अब फिर मिक्स करेंगे इसे। कढ़ाई रखे हैं, ऐड किए हैं सरसों का तेल। अब अच्छे से गरम हो जाने देंगे। इसी में ऐड करेंगे बढ़िया ग्रीन धनिया और हरी मिर्च। अच्छे से इसे बढ़िया कट कर लेंगे। तब तक ये अच्छे से गरम हो रहा है ऑयल। अब इसी में ऐड करेंगे प्यारे से पकौड़े छोटे छोटे। आप लोग बड़े छोटे अपने मन पसंद कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप लोग गोल शेप भी दे सकते हैं, जैसे शेप आपको पसंद हो वैसा दे दीजिएगा। अब थोड़ा टाइम देंगे इसे पकाने में। इसे बढ़िया अच्छे से उलट पलट के सेकिएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छे से। देखिए इनका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, इसका थोड़ा लाल कलर आ गया है। अब इसे बढ़िया निकाल लेंगे बहुत अच्छे से, थोड़ा और पकाएंगे फिर इसे निकाल लेंगे। उसी जो है कढ़ाई रखे हैं, कढ़ाई में तेल ऐड किए हैं और ओनियन और हल्दी पाउडर बढ़िया अच्छे से, कोरिंडर पाउडर और जीरा पाउडर, सारे बढ़िया जितने पाउडर होते हैं सभी मैंने ऐड कर लिया है अच्छे से। अब इसी में ऐड करेंगे अपने प्यारे से कोफ्ते। देखिए वाव, बढ़िया इसी में सारे ऐड कर देंगे। कम ज़्यादा आप लोग अपने मन मुताबिक ले सकते हैं, जितने आप लोगों के यहाँ फैमिली मेंबर्स हों उतने ले लीजिएगा। अब इसे अच्छे से बढ़िया मिक्स करेंगे, पानी थोड़ा ऐड करेंगे। एक कप पानी ऐड किए हैं बड़ा। अब बढ़िया कोफ्ते बन के रेडी हैं। आप लोग देखिए इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए मेरे कुछ ऐसे कोफ्ते बन के रेडी हुए हैं, बहुत सच में यार सॉफ्ट हैं, बहुत मस्त हैं। अब इसकी गार्निश करेंगे धनिए की पत्ती से। आप लोग इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं, मलाई से गार्निश कर सकते हैं या फिर दही से गार्निश कर सकते हैं।
आइए आप लोग इंजॉय कीजिए मेरे कोफ्ते। प्लीज आप लोग जरूर बताना मेरे कोफ्ते कैसे बने हैं, सच में यार बहुत टेस्टी हैं। एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा, मेरे कमेंट में बताइएगा मेरे कोफ्ते कैसे बने हैं टेस्टी। मैं यार छोटी छोटी ट्रिक अपनाओगे ना तो कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। सारे तरीके आप लोग भूल जाओगे जो मेरे तरीके से बनाओगे। हमेशा की तरह सिर्फ 3 चीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।